दोस्तों आप सबका वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल अनसाइड टॉक में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मनरेगा योजनाओं का एस्टीमेट को लेकर। बहुत सारे भाई ने कहा है कि सर हमें पता नहीं चलता है कि हमारी योजना में कितना का पैसा मिलता है या फिर कितना डिमांड हुआ है, यानी कि उनको मनरेगा योजना के बारे में पता ही नहीं चल रहा है। रोजगार सेवक डिमांड करता है अचानक बंद हो जाता है। लेकिन दोस्तों आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है, यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क है कि अगर आप योजनाओं का लाभुक है, कोई भी मैंने योजना लिए हैं, चाहे आप मेड़बंदी हो, TCB हो या फिर कुआं हो, समतलीकरण हो, यानी मनरेगा योजना से जो भी दीदी बाड़ी हुई है, कोई भी योजना लिए हैं, तो आपको सबसे पहले उसका एस्टीमेट को जानना ज़रूरी है कि उसमें आपको लेबर का पेमेंट कितना हुआ है, कितना पैसा मेड को मिलेगा, कितना मिस्त्री को मिलेगा, कितना मेटल भुगतान होगा, ये सारा कटिंग करके जो है कि आपको कितना मिलेगा। तो गाइस यह वीडियो बहुत ही ज़रूरी है उन भाइयों के लिए है जो है कि मनरेगा योजनाओं में से रिलेटेड संबंध रखते हैं, काम करते हैं या करवाते हैं। तो गाइस आज के टॉपिक है कि हम जानेंगे कि एस्टीमेट कितना है, साथ ही साथ उस योजना में कितना डिमांड किया गया है और अभी तक कितना पैसा बचा है, ताकि आप उसको डिमांड करवा के उस पैसा को कंप्लीट कर सकते हैं और आपकी योजना को बंद कर दिया जाएगा। तो गाइस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। तो फ्रेंड्स जैसे कि आपको स्क्रीन पर यहाँ पर दिख रहा है, आपको लिखना है नरेगा। नरेगा लिखने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से पेज ओपन होगा। बिल्कुल ही नए व्यूअर्स के लिए मैं बता रहा हूँ कि सिर्फ आप नरेगा टाइपिंग करेंगे मोबाइल फ़ोन के द्वारा या फिर लैपटॉप जो भी आपका सामने है उसे क्लिक करेंगे। नरेगा लिखने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से ओपन पेज होगा, जैसे कि यहाँ पर लिख रहा है नरेगा, यहाँ आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे आपके सामने एक पेज ओपन होगा। तो बिल्कुल ही आसान तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ कि आप कैसे देखें। सबसे पहले आपको हम दिखा रहे हैं कि आपकी योजना का कुल एस्टीमेट कितना है, कुल एस्टीमेट दिखाते हैं, उसके बाद फिर आपको दिखाएंगे उसमें आपका डिमांड कितना हो गया है। डिमांड के बाद आप जो लास्ट एक्स का आपका अमाउंट होता है वो कितना बचा है। तो क्विक एक्सेस जो आपको हमेशा बताते हैं, ये बिल्कुल आसान तरीका है, यहाँ वहाँ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको स्टेट पे क्लिक करना है, आपका जिस राज्य से आते हैं उस राज्य में आपको जाना है। आप जिस राज्य का नाम यहाँ आपके सामने देखने को मिलेगा, तो आप देखिए आप अपना मनपसंद राज्य, हम जहाँ जाते हैं सबसे पहले हम जाते हैं झारखंड राज्य में ही क्लिक करते हैं, अगर आप कर्नाटक से है। तो फ्रेंड जैसे हम वहाँ क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ अगर ऐसा पेज ओपन होता तो क्या करेंगे, ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए ऐसा ओपन हो गया। बहुत कोई बोला है सर खुल ही नहीं रहा है, पेज ओपन नहीं हो रहा, बहुत सारा भाई कमेंट होता है कि स्टेट के बाद जो है कि दिखता ही नहीं। तो ये कंटिन्यू साइट में आपको क्लिक करना है, जैसे आप कंटिन्यू साइट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने फिर से ओपन हो जाएगा। तो गाइस हम बात कर रहे हैं एस्टीमेट को लेकर, एस्टीमेट को जानना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद फ्रेंड्स आपके सामने राइट साइड में जैसे देख रहा है डिस्ट्रिक्ट का नाम, आपको डिस्ट्रिक्ट में यहाँ डिस्ट्रिक्ट है यहाँ क्लिक करना है जिस डिस्ट्रिक्ट में आप आते हैं। तो फ्रेंड्स हम एक रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट में हम क्लिक कर चुके हैं, अब वहाँ देखते हैं कि वहाँ का एस्टीमेट में क्या क्या योजना चल रहा है, उसका एस्टीमेट क्या क्या है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है कि वो निकल के सामने आ चुका है। अब यहाँ ब्लॉक का नाम देखने को मिलेगा, इस साइड लेफ्ट साइड में आपको देखने को मिलेगा वर्क। तो गाइस ध्यान दीजिएगा यहाँ पर देखिए वर्क लिखा हुआ है, ये वर्क भी आपको यहाँ क्लिक करना है। यहाँ से दो तीन तरह से आप देख सकते हैं, एक ही आपका यहाँ से वर्क से भी देख सकते हैं और एक ऑप्शन आपको दिखाएंगे कि आप वहाँ से भी इसको देख सकते हैं। सर फिर सिंपल से बात है, आपको अब यहाँ से जो आपको दिक्कत ना होगा उसे दिखने को मिलेगा। वर्क अंडर डिफरेंट कैटेगरी स्टेटस आपको यहाँ क्लिक करना है, जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने और एक पेज आसान तरीके से पेज खुलेगा, इसको थोड़ा जूम कर लेना है। आपको देखना है कि आप किस ब्लॉक से बिलोंग कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स एक मिनट थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, तो आपको फिर से जहाँ है उसको लाने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए
अगर ब्लॉक दिख रहा है, बहुत सारे यहाँ ब्लॉक छीक से ब्लॉक है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है आंगनबाड़ी योजना है, राजीव गांधी योजना है, आंगनबाड़ी आपके वहाँ पर चल रहा है तो उसका भी आप एस्टीमेट को देख सकते हैं। क्या आंगनबाड़ी देखें? तो फ्रेंड्स एक चलिए एक एस्टीमेट का हम बात करें, कोई भी एस्टीमेट को आप देख सकते हैं। यहाँ पर है आंगनबाड़ी को हम यहाँ क्लिक करते हैं, यहाँ पर क्लिक करना, यह कंप्लीट है, इन प्रोग्रेस जो चल रहा है उस पर हम देख ध्यान देंगे। ये दो चित्र पर दो आंगनबाड़ी बन रहा है उसमें हम क्लिक कर लेते हैं। तो गाइज आप जैसे ही वहाँ क्लिक करेंगे तो आपके सामने बहुत सारा का यहाँ का एस्टीमेट देखने को मिलेगा, यहाँ लेबर पेमेंट कितना है और एक्चुअल लेबर पेमेंट कितना है और मेटल पेमेंट कितना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो देखिए आपको इसमें वर्क कोड में क्लिक करना है, यहाँ वर्क कोड लिखा हुआ है, आपको यहाँ क्लिक करना है जो लिखा हुआ है, ग्राम चित्रपुर पश्चिमी के ईदगाह मैदान में प्ले ग्राउंड एंड चेंजिंग रूम या कुछ योजना है, प्ले ग्राउंड है, वहाँ प्ले ग्राउंड बन रहा है तो उसका यहाँ पर दिखाया गया है कि मनरेगा अंतर्गत दोस्तों जो है कि प्ले ग्राउंड में दिया जा रहा है। एक सिंपल सी योजना है स्कीम, आप इसमें देखते हैं बहुत सारे भाई को पता भी चल जाएगा इस प्ले ग्राउंड में एस्टिमेट कितना है, फुल पेमेंट कितना मिलता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए निकल के सामने आ चुका है, इसका कितना मास्टर निकला ये भी देखने को मिल रहा है। तो फिलहाल हम देखते हैं एस्टिमेट, इसका कुल जो पेमेंट कितना है, उस सेंशन अमाउंट कितना है। तो आपको ध्यान देना फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर आ रहा है सेंशन अमाउंट पे ध्यान देना फ्रेंड्स, यहाँ पर 3,92,400 कुछ रुपया का एस्टिमेट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इस सेंशन जो अमाउंट है यही अमाउंट उसका पास किया गया है, ये 2021 का एस्टिमेट है, हो सकता है अब जो है कि इसका एस्टिमेट बढ़ गया हो कि दिन का दिन महंगाई बढ़ते के कारण मनरेगा योजना अंतर्गत 60-40 का रेशियो को मिलाते हुए जो है कि लेबर का पेमेंट भी बढ़ाया जाता है और एस्टिमेट को बढ़ा दिया जाता है। तो हम बात करें यहाँ पर लेबर पेमेंट कितना है और मेटल का पेमेंट कितना है, यहाँ एक अमाउंट दिख रहा है, लेबर का पेमेंट जो दिख रहा है फ्रेंड्स 2.5 लाख 2,52,000 रुपया है। तो फ्रेंड्स ये जो प्ले ग्राउंड है इसका अभी तक मेटल का एस्टिमेट यहाँ पर नहीं दिया गया है, यहाँ लेबर का पेमेंट है काफ़ी, क्योंकि उस प्ले ग्राउंड को क्लियर कटना है, लेबर लगेगा तो जो है कि उसमें क्योंकि लेबर का पेमेंट ज़्यादा होना चाहिए। तो गाइस आप इस तरह से जो है कि अपना एस्टिमेट को देख सकते हैं। यहाँ पर डिमांड कुछ किया गया, 1, 2, 3, 4 मास्टूल है, एक मास्टूल में आप क्लिक करके देख सकते हैं, यहाँ पर जो एक ही आदमी का डिमांड किया गया है, ये मास्टूल भी आप निकाल सकते हैं। कुछ कुछ पैसा यहाँ निकला है, काम हमको लग रहा है अभी बंद होगा, बरसात का सीजन है। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे भाई का डिमांड किया गया है, यहाँ देखिए 7, 12, 22 तक डिमांड किया गया है, इसका लास्ट डिमांड माने कि चल रहा है योजना, चल कंटिन्यू है इसका डिमांड है। तो गाइज आप एस्टिमेट आप आसानी से निकाल सकते हैं, एक एस्टिमेट हम देखेंगे। अब इसका पैसा बचा हुआ कितना है ये भी हमको बताने की कोशिश किए थे, डिमांड तो इसका बहुत कम हुआ है, अब इनका जोड़ लेना है आपको कि लेबर पेमेंट इतना है तो कितना पेमेंट हुआ, अभी तक उसका लेबर पेमेंट बहुत ही कम खर्चा हो गया है, 13,000 इतना जोड़ना है, 9, 5, 14, 15, 16,000 रुपये इस समथिंग खर्चा हुआ है, पैसा इतना खर्चा हुआ है, उसको अभी बहुत सारा पैसा बकाया है। तो फ्रेंड्स ये था कुछ योजना, अब हम तो आपको बैक करके और एक स्कीम बताते हैं कुआं का एस्टीमेट में जो कितना पैसा मिलता है उसमें आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो आप फ्रेंड्स यहाँ पर एक वर्क में यहाँ क्लिक करना, यहाँ बहुत सारी योजना देखने को मिलेगा, आप यहाँ क्लिक कर सकते हैं 1419 जो है, आप यहाँ जैसे क्लिक करें यहाँ सारा उस पंचायत उस ब्लॉक का जो है कि योजना निकलेगा, यहाँ बिल्कुल सिंपल से योजना है, आप देख सकते हैं वेल एक कुआं को मिल चुका हमको, ग्राम बरकीपोना में वेल कंस्ट्रक्शन दामनी निकला है। तो आप यहाँ क्लिक करेंगे बिल्कुल आसान तरीके से, बिल्कुल एकदम घबराने की जरूरत नहीं है, आपको देखना है कि क्या इसमें क्या स्थिति है। एक कुल एस्टीमेट इसका निकल कर 4 लाख कुछ रुपये का जो है इसका यहाँ पर एस्टीमेट दिख रहा है, 4,47,421 रुपये का ये एस्टीमेट है, अभी तक खर्चा इनका लेबर पेमेंट में 90,780 रुपये खर्चा आ चुका है, लेकिन मेट का पैसा नहीं मिला है, मिस्त्री का नहीं मिला है, मेटेरियल का पेमेंट यहाँ पर देखिए
मेटलर पेमेंट यहाँ पर नहीं जीरो दिख रहा है, ये जो पेमेंट खर्चा किया वो चीज़ दिखता है। लेकिन आपको थोड़ा सा बैक जाना है और आपको इसका बैक साइड में देखना है इसका मेटल पेमेंट कितना होना चाहिए होगा और जो है कि इसका लेबर पेमेंट कितना होगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए इसका लेबर पेमेंट जो होगा 2,09,000 रुपये का होगा और 1,98,000 जो इसका एस्टिमेट बना है, यानी कि इसका ये पेमेंट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। देखिए मेटल पेमेंट 1,98,000 कितना है मेटल का पेमेंट मिलेगा, 1,98,000 3,00,000 यानी 4,00,000 कुछ रुपया जो आपको बताया 400 कुछ रुपये का एस्टिमेट टोटल बन रहा है। तो यहाँ पर इसका जो खर्चा किया एक्चुअल में आपको ध्यान देना फ्रेंड्स कि जो एक्चुअल लिखा हुआ है ये खर्चा किया गया है, खर्चा 91,000 रुपये का आपको हम दिखाएंगे, 91,000 रुपये का यहाँ खर्चा कर चुका है लेबर पेमेंट में और मेटल पेमेंट अभी तक इसको मिला नहीं है। तो ये जैसे पैसा मिलता है यानी कि इसको 1,98,000 यहाँ पर मेटल पेमेंट मिलेगा। तो हम बात किए फ्रेंड्स अब इसका पैसा कितना बचा हुआ है, 2,09,000 में आपको माइनस करना है 91,000, तो आप उसको माइनस करके देख सकते हैं कि जितना पैसा माइनस करके बचे वो पैसा आपको बचा हुआ है। तो गाइज थोड़ा सॉरी पर हम क्लिक करते हैं यहाँ पर, तो यानी कि 90,000 91,000 रुपया अप्रॉक्स में लिखा था 91,000, तो 90,780 रुपया ये पेमेंट खर्चा कर चुके हैं, माइनस कर दीजिएगा तो आपको वो बचा हुआ अमाउंट निकलेगा। तो गाइज आप बिल्कुल ही आसान तरीके से जो है कि कोई भी चीज़ का एस्टिमेट को आप ऐसे निकाल सकते हैं ताकि आपको दिक्कत नहीं होगा कि मेरा इतना डिमांड हुआ है इतना पैसा मिला है, एक एक का चिट्ठा यहाँ पर निकल जाएगा किस किस आदमी का बंदा का डिमांड करा, यहाँ से आपको क्लिक करके निकाल सकते हैं और यही अमाउंट जोड़ के आपका जो पैसा 90,000 दिख रहा है ये पैसा बनता है। तो गाइज इस तरह से जो है कि आप एस्टिमेट को आसान तरीके से देख सकते हैं और जान सकते हैं। तो गाइज ये था कुछ एस्टिमेट के बारे में, बहुत सारे भाई ने कहा कि मेरे को कुछ समझ में नहीं आता कितना क्या एस्टिमेट है। और फ्रेंड्स मैं बता देना चाहता हूँ कि सिर्फ ये कुआं ही नहीं, यहाँ पर जो आपका सारा एस्टिमेट देखने को मिलेगा जिस जो जो योजना चलता है, दीदी बाड़ी हो या कोई भी जो मनरेगा अंतर्गत योजना चलती है आप यहाँ से देख सकते हैं किसका नाम से पास हुआ किसका नाम से पास नहीं हुआ है, उसको लेबर पेमेंट कितना मिला है, सारा चीज़ आपको यहाँ पर डाटा दिया हुआ है। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए ताकि आपको हम मनरेगा रिलेटेड इस तरह से वीडियो को बना के आपको बता सकें ताकि आपको आप उसे जान सकें। थैंक यू फ्रेंड्स इस वीडियो को देखने के लिए, मिलते हैं नए वीडियो के साथ नए जानकारी के साथ।